भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए और अखंड भारत के लिए प्रशस्ता कीजिए अगर आपका मन में कोई रिग्रेट हो पार्टीशन के लिए। अगर नहीं हो तो कुछ लोगों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये पैदा ही बेइज्जत कराने के लिए हुए हैं। और कांग्रेस की हालत भी कोई भिन्न नहीं है। राजनीतिक सूर्यास्त की ओर ताक रही कांग्रेस अपने आप को पुनर्जीवित करने हेतु भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुकी है, जिसका नेतृत्व करेंगे उनके तारणहार, उनके पुरोधा श्री श्री राहुल गांधी जी। परंतु इसी बीच असत्य के सागर में गोते लगाते अरविंद केजरीवाल को पटक पटक के धोने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा सोचे। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की हिमंत बिस्व शर्मा ने हवा निकाल दी और कैसे उसे नीचा दिखाने के प्रयास में कांग्रेस ने ये सिद्ध कर दिया कि ये भारत जोड़ो यात्रा कम और कांग्रेस छोड़ो यात्रा अधिक सिद्ध होने वाली है। बात कर रहे हैं। इससे पूर्व की हम वीडियो पर आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हाल ही में कांग्रेस अपने बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहा है, परंतु इसमें भी हमारे कांग्रेस के युवराज की कुछ शर्तें हैं। 7 सितंबर से प्रारंभ होने वाली इस यात्रा में राहुल गांधी केवल 150 दिन पदयात्रा करेंगे, जिसमें वे एक विशेष कंटेनर में निवास करेंगे। ये यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू एवं कश्मीर जाएगी और 12 राज्यों का दौरा करेगी। ये यात्रा सुबह 7 से 10:30 चलेगी और फिर 3:30 से 6:30, और ये यात्रा कुल 3500 किलोमीटर लंबी चलेगी। सही कहा है नरोत्तम चाचा ने। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। परंतु हिमंत बिस्व शर्मा के मन में कुछ अलग ही विचार थे। उन्होंने तो कांग्रेस की खटिया खड़ी करते हुए बताया कि भारत जोड़ो यात्रा किस बात के लिए। भारत को कांग्रेस के नेतृत्व में 1947 में बांटा गया था। राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान से करनी चाहिए, भारत तो पहले से ही एक है। बस फिर क्या था, नथुने फड़काते हुए आ गए कांग्रेसी हिमंता को उल्टा सीधा सुनाने। कांग्रेस अध्यक्ष इन वेटिंग अशोक गहलोत बोलते हैं, ऐसे अवसरवादियों को हम गंभीरता से नहीं लेते। ये अलग बात है कि वह मुख्यमंत्री बन गया है, परंतु कांग्रेस की बेइज्जती का कोटा भी पूरा भी नहीं हुआ था। इनके चाटुकार शिरोमणि पूर्व कैबिनेट मंत्री जयराम रमेश ने हिमंता के कांग्रेसी अतीत पर हमला करते हुए बोला, मुझे लगता है कि असम के मुख्यमंत्री में काफी लड़कपन है और वे एकदम अपरिपक्व है जो अपने नए मालिकों को खुश रखने के लिए ऐसे ऊट पटांग के बयान बोलते रहते हैं। परंतु बंधु वहीं पर नहीं रुके, वे कहते हैं, मैं इस व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि इसे हर दिन अपनी वफादारी बीजेपी को सिद्ध करनी होती है, जबकि 20-25 वर्षों तक ये कांग्रेस का भाग रहा। ये अभी अभी भाजपा की ओर प्रवास किए हैं, सो ऐसे भड़काऊ बयान देते रहते हैं। कहीं ना कहीं राजमाता सोनिया गांधी भी सोचती होंगी कि 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। परंतु जयराम रमेश शायद भूल गए कि वो किससे भिड़ रहे थे। जिस व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल और उसके खोखले शिक्षा मॉडल को कहीं का नहीं छोड़ा, वो ऐसे जमूरों को सस्ते में छोड़ देता। अपने चिर परिचित शैली में हिमंता दा ने कांग्रेस विशेषकर जयराम रमेश जैसों को पटक पटक कर धोते हुए कहा, पहले तो ये बताइए कि ये जयराम रमेश है कौन, असम में रहते हैं, कौन है भाई, मेरे को कोई आइडिया नहीं, एक कांग्रेस के नेता को कौन याद रखेगा, मैं तो ऐसे किसी व्यक्ति के निकट भी नहीं था, सो मैं नहीं जानता। गजब बेइज्जती है। स्मरण रहे, ये वही हिमंत बिस्व शर्मा है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के 2 कौड़ी के झूठे शिक्षा मॉडल का अस्थि पंजर करने में 1 हफ्ता भी नहीं लगाया। दिल्ली के अजीबो गरीब आबकारी नीति के परिप्रेक्ष्य में CBI के छापे पर दिल्ली सरकार ने जो रायता फैलाया है उसके बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। परंतु इतने सफेद झूठ से तंग आकर मानो हिमंता दा ने इनको पटक पटक कर धोने की कसम खा ली। हिमंता भाई साहब ने एक ही ट्वीट में अरविंद केजरीवाल को कूटने का पूर्ण प्रबंध करते हुए ट्वीट किया, बिना किसी होमवर्क के कृपया बकवास ना करे, जब से शिक्षा मंत्री बना हूं तब से असम सरकार 8610 नए विद्यालयों का या तो स्थापना कर चुकी है या फिर अधिग्रहण किया है। दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में कितने नए स्कूल बनाए हैं।
इमोशन आउट है। कांग्रेस को यह भी स्मरण होना चाहिए कि गुलाम नबी आजाद अभी कुछ ही समय पूर्व कांग्रेस छोड़कर गए हैं और हिमंता बिस्वा सरमा के कारण ही आज पूर्वोत्तर में इनका अस्तित्व तक नहीं है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि भारत जोड़ो यात्रा अब शीघ्र ही कांग्रेस छोड़ो यात्रा में परिवर्तित होगी।